नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। लखनऊ में एक व्यापारी को पुलिस के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। मोमिन नगर केम्पल रोड थाना सादतगंज निवासी व्यापारी लगातार ये कह रहा है कि उसे पुलिस के द्वारा धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि समझौते के बावजूद भी उसे और उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 20,000 देने के बावजूद भी पुलिस लगातार व्यापारी को परेशान कर रही है। उसने थाना प्रभारी ने 10,000 रुपए की मांग की थी। इसके पश्चात सादतगंज पुलिस व्यापारी के घर जाकर बच्चों और महिलाओं के साथ भी अभद्रता कर रही है। वहीं व्यापारी और सादतगंज चौकी इंचार्ज के बीच पैसे के लेन देन को लेकर एक ऑडियो भी सामने आया है। नमस्कार। हाँ सिंह भाई बताइए। नमस्कार। अरे भैया, हम कह रहे हैं कि जब हम सब मामला हो गया, बार बार घर पर पुलिस भेजना, हम कौन सा मुलजिम है, मुजरिम है जो घर पर जाके आप लोग पुलिस भेज देते हैं। अभी भैया वो फोन किए थे हमसे, इनको कह रहे थे, तो हम तो हमारे यहाँ से तो कोई नहीं गया। हम पूछते हैं अभी, पता करते हैं कौन नहीं है। तो आपके वहाँ भैया ये भेज रहे हैं कोई भी, या चाहे आप भेज रहे हैं, अगर जाति इशू अपना बनाए हुए हैं कि नहीं, वो हमको ला के बोल रहे थे। कल सुनीता गई थी हमारी, बस अमर बहादुर सिंह जी लाइन पे थे, उन्होंने उनका नंबर नहीं रिसीव किया साहब ने, समर बहादुर सिंह, जबकि वो भी ऐसे हैं, वो भी सीनियर अधिकारी हैं, कम से कम बात तो सुन लेते कि वो कहना क्या चाहें। उन्होंने इनसे बात तक नहीं किया, बताइए, कम से कम एक बार बात तो करना चाहिए। कहाँ से कौन गया है, वैसे हमारे चौकी से कोई नहीं गया है। चौकी से कोई नहीं गया है, लेकिन थाने से जो भी गया हो, बहुत ही ज्यादा घर पे बच्चों को टॉर्चर किया, बहुत गाली गलौज की हमारे घर पे, और सब कुछ उल्टा सीधा बोल के आए हैं। ठीक है, चलिए हम अभी पता कर रहे हैं, मैं परेशान ना। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। जरा उनको समझा दीजिए कायदे से कि भाई देखिए, जब मामला हो रहा है, आपके लोग का काम है समझौता कराना, जजमेंट करना तो है नहीं, जजमेंट करने के लिए कोर्ट बैठी हुई है। नहीं नहीं, आप वो ऐसे ही बताइए, उस दिन इंस्पेक्टर से मुलाकात हो गई थी आपकी? गए थे सुबह हम, करीब 11 बजे गए थे, तो एक लेडीज कहीं बैठी हुई थी, तो वो कहने लगे 4 बजे आएंगे। तो कल की बात हम बता रहे हैं, कल गए थे करीब हम 2 घंटे 1.5 घंटा वहाँ रुके थे हम लोग। अरे ये साहब 4 बजे तक जो है फिर आगे, फिर आराम कर रहे थे, फिर हमने सुनीता को भेज दिया था कि आप चले जाएंगे, हमारे वहाँ भाई के वहाँ उसके लड़का हुआ था ऑपरेशन से, मेजर ऑपरेशन से, तो हम उधर व्यस्त थे। तो उनसे समर बहादुर सिंह जी से लाइन पे लेके बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हम किसी को नहीं जानते, हम किसी से बात नहीं करेंगे, और उनको मैं जेल भेजूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यही सब मतलब जबरदस्ती, जैसे कि एक जबरदस्ती को ईगो अपना बना लेता है, तो ये सब बात अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं कोई सम्मानित व्यक्ति हूँ कि मैं चोर उचक्का हूँ, लफंगा हूँ भैया मेरा, मैं भी मेरी एज हो गई है। आसिम भाई जी, ऐसा है एहसन के साथ एक बार जाके मिल लीजिएगा, ठीक है? नहीं, मैं मिल लूंगा, लेकिन ये बताइए घर पे पुलिस मेरे क्यों भेज रहे हैं इतने छोटे से मामले? कौन गया, पुलिस गई थी, कौन गया देखता हूँ मैं, पूछता हूँ कौन गया था, वैसे हमारे यहाँ तो कोई नहीं गया, कौन गया पूछता हूँ मैं। अरे भाई, जो पैसा कौड़ी बताया वो हमने दे दिया है, 20,000 रुपये भी भेज दिए, फिर भी हमारे पीछे जब सब लगे हुए हैं, कौन सी ये बात है कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं घर पे भेज भेज के, और सब पड़ोस में भी गए कह के आए कि हाँ भैया जो है ये आसिफ भाई, आसिफ आ गए, हमको फोन कर देना, इनको घर में सोने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, ये कौन सी बात है, मतलब हमारा क्या एनकाउंटर करवा देंगे क्या ये? अरे आप हमको बताइए कि मेरी क्या गलती है, अगर दोनों पार्टी ने, अगर हम लोगों ने सुलह कर ली, कोर्ट से सुलह लिख के वहाँ से सीओ साहब के वहाँ दे आए हैं, अब कम से कम आप अधिकारी हैं, वो भी अधिकारी हैं, क्षेत्र आपका है, चौकी आपकी है, तो साहब अगर उसको प्रेस्टीज अपना किसी के कहने पर या किसी कहने पर अगर मुझको टॉर्चर करें, क्यों कर रहे हैं मुझको टॉर्चर ये? यूपी विधानसभा चुनाव में अलग अलग गाने को लेकर इन दिनों तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें संभल में देखने के लिए मिली। संभल की कांग्रेस प्रत्याशी निदा अहमद का ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पत्रकार से नेता बनी कांग्रेस प्रत्याशी ने बगैर नाम लिए जनप्रतिनिधियों पर प्रहार किया। नेहा सिंह राठौर के गाने के बहाने वायरल किए गए वीडियो में निदा अहमद ने कहा है कि रहनुमा डरते हैं कि संभल से कोई डॉक्टर कलाम साहब पैदा ना हो जाए, अगर हो गया तो उनका क्या होगा। शहर में शिक्षण संस्थाओं की कमी और बदहाली को निदा अहमद ने टीवी एंकर के स्टाइल में शहर के सपा विधायक पर भी हमला बोला। आपको बता दें कि 30 साल से इकबाल महमूद संभल के विधायक हैं। क्या कहती हैं संभल की कांग्रेस प्रत्याशी निदा अहमद, इस वीडियो में देखिए। आजकल दरअसल सत्ताधारियों की नजरों में चुभ रही मेरी एक बहन नेहा सिंह राठौर की एक लाइन मुझे भी याद आ रही है, यूपी में काबा। लेकिन संभल में जरा मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि संभल में काबा
जी हाँ, संभल में एक वीरान आईटीआई है जहां पर कई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र बाद में करूंगी। और संभल में अगर पॉलिटेक्निक की बात करूं तो पॉलिटेक्निक तो है ही नहीं, होता तो मेरे संभल के युवा किसी कारखाने या फिर इंडस्ट्री में नौकरी पाने लायक हो जाते, लेकिन हम जिनको चुनते हैं वो रोशनी में हमें खड़ा ही नहीं करते। दो दो डिग्री कॉलेज भी है मेरे संभल में, लेकिन साइंस की पढ़ाई ही नहीं होती दोनों में, क्योंकि रहनुमा शायद डरते हैं कि अगर संभल से कोई डॉक्टर या फिर कलाम साहब पैदा हो जाए तो भाई उनका क्या होगा। लड़कियों के लिए तो डिग्री कॉलेज हो जाए ये सोचने की गुस्ताखी भी कभी किसी ने आज तक नहीं की। करीब 4.25 लाख मतदाताओं वाले संभल में जो 1.5-2 दर्जन इंटर कॉलेज है भी, उनमें भी टीचर्स का छोटा है, फर्नीचर विकलांग पड़े हैं और लैब अपनी हालात पर आंखों से एसिड जैसे आंसू बहा रहे हैं। प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की तो पूछिए ही मत। अब जरा फिर से आंखें बंद करो मेरे संभल वालों और दिल दिमाग एक करके सोचो कि क्या आप इसी के हकदार थे? क्या आपकी औलाद पढ़ने और आगे बढ़ने के काबिल नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे संभल का हर बच्चा काबिल भी है और हकदार भी है। फिर क्यों उनसे बार बार हमें धोखा मिल रहा है जिनको वोट देकर हमने और आपने अपना मुस्तकबिल उनके हाथों में सौंप दिया। सीतापुर के शिक्षा मित्र संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता यादव तमाम अपने शिक्षा मित्रों के साथ पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के आवास पर पहुंची। सविता यादव का आरोप है कि 2017 में हम सभी शिक्षा मित्रों ने बीजेपी सरकार को समर्थन किया था। सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों के साथ आंख मिचौली का काम किया और समायोजन खत्म कर दिया, जिससे तमाम शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। कुछ शिक्षा मित्र लड़कियों की शादी भी टूट गई। सरिता यादव ने बताया कि हम सभी शिक्षा मित्रों के साथ बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। 1,72,000 शिक्षा मित्र इस बार अपने परिवार के समेत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को समर्थन करेंगे। आज हम सभी लोग पूर्व मंत्री रामगोपाल राजवंशी के आवास पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें सरकार बनते ही हम लोगों को ध्यान दें। हम समस्त शिक्षा मित्र समाज भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो हम 1,72,000 शिक्षा मित्र भी समझे कि हम लोग जो शिक्षा मित्र समायोजन से वंचित रह गए हैं, तो हमारा भी इसमें कहीं ना कहीं हित छुपा हुआ है। इसलिए 1,72,000 शिक्षा मित्रों ने जी जान से इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार लाने का काम किया, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए अपनी मनमानी करने लगे और शिक्षा 1,72,000 शिक्षा परिवार की इन्होंने हत्या कर दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत सम्मान देने का काम शिक्षा मित्रों को किया था, अनुदेशकों का सम्मान देने का काम किया था। उस समय हम लोगों ने 2012 से 17 के बीच में इनका सबका शिक्षा मित्रों का समायोजन करने का पूरा बीड़ा उठाया था, मगर भारतीय जनता पार्टी जब आई तो इसने उन गरीबों को, उन शिक्षा मित्रों को, ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया कि जो बीएड नहीं है, बीटीसी नहीं है, पास नहीं है, योग्य नहीं है, इनको अयोग्य घोषित कर दिया। संत कबीर नगर के सिमरियामा ब्लॉक के टीमा गांव में 5,000 के बकरे की बोली 1,25,000 तक पहुंच गई है। वजह, बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद का अस्क उभर कर दिखाई दे रहा है। पिछली कुर्बानी पर इस बकरे को बकरे के मालिक पड़ोस के गांव से महज 5,000 रुपए मिलाए थे, मगर बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद शब्द के अस्क दिखाई देने के बाद बकरे की बोली अब 1,25,000 तक पहुंच गई। क्या है 1,25,000 के बकरे की असली कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संत कबीर नगर के सिमरिया ब्लॉक का टेमा गांव आजकल चर्चा में है। वजह है 1,25,000 का ये बकरा। बकरे में खास क्या है हम आपको बताते हैं। 1,25,000 के इस बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा है, इसी वजह से बकरे की कीमत 5,000 से 1,25,000 तक पहुंच गई है। बकरे के मालिक इस बकरे को बड़े ही लाड़ प्यार से पालते हैं। बकरा परिवार के साथ ही खाता और सोता है। पिछली कुर्बानी के समय बकरे के मालिक इस बकरे को पड़ोस के गांव से महज 5,000 में कुर्बानी देने के लिए खरीद कर लाए थे, मगर बकरे को घर लाने के बाद किसी मौलवी ने बताया कि बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद लिखा है, तो फिर क्या था, बकरे को देखने वालों का तांता लग गया और बकरे के खरीदारों में बकरे को खरीदने की होड़ लग गई और मौजूदा समय में बकरे की कीमत 1,25,000 तक पहुँच गई है। बकरे के मालिक की माने तो काफी दूर दूर से खरीदार आ रहे हैं। बकरा परिवार का हिस्सा बन गया है। उर्दू के जानकार तस्दीक करते हैं कि बकरे पर अल्लाह और मोहम्मद साफ नजर आ रहा है।
थुरंडा गांव में। क्या पढ़ाते हैं? यही बच्चों को छोटे छोटे। तो क्या मदरसा है? जी हाँ मदरसा है। तो आप क्या हैं, हाफिज हैं? हाफिज है। हाफिज है जी। कहा जा रहा है बकरे के बॉडी पे, बकरे के शरीर पे कुछ सेंटेंस उर्दू में लिखा जी हुआ जी है। क्या है आप बताएं कुछ? जी सर मैं देखा हूँ दाहिनी तरफ बकरे के जिस्म पर हाँ लफ्ज़ अल्लाह नज़र आ रहा है, जो साफ दिखाई दे रहा है। और क्या 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 दिख रहा है? और लफ्ज़ मोहम्मद भी दिखाई दे रहा है थोड़ा। अच्छा जी, अभी पता चला जो आपके पीछे बकरा खड़ा है उसके बॉडी पे कुछ लिखा हुआ है, क्या है? हाँ देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है अल्लाह, लिखा हुआ है। क्या 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 और क्या लिखा हुआ है? बस अल्लाह साफ नज़र आ रहा है, और जो भी नज़र आ रहा है वो साफ और नज़र नहीं आ रहा है। देखने में इस लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद भी लिखा हुआ है, मगर दाहिने बाड़ी बाजू पर बकरे के जो लिखा हुआ है वो अल्लाह हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, साफ आ रहा है। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? पढ़ाते हैं। क्या? मदरसे में पढ़ाते हैं। बकरे के मालिक बकरे को परिवार का हिस्सा मानकर बकरे की देखरेख कर रहे हैं। बकरा परिवार के साथ खाना खाता है और परिवार के साथ ही सोता है। बकरे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, बकरे को खरीदने के लिए भी खरीदार दूर दूर से आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि आगे वक्त किस तरह बदलेगा कहा नहीं जा सकता। मालिक जो बकरी को खरीद कर लाए थे तब शायद नहीं पता था कि इस बकरी की कीमत महज 5,000 से 1,25,000 तक पहुंच जाएगी। बकरी के मालिक को बकरी की कीमत बढ़ने की उम्मीद है। मालिक मानते हैं कि बकरा उनके परिवार के लिए वरदान साबित होगा और उनके परिवार की तरक्की और मजबूती मील का पत्थर साबित होगा। लाख देने वाले हैं, लोग आते हैं, दे दे के जाते हैं, बोलते हैं इस पे अल्लाह लिखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, दाहिनी शरीर पे, दाहिने बाजू, इसकी यही खासियत है, तो इसके लिए हम लोग देना नहीं चाहते हैं। अभी तक तो रखे हुए हैं। कहाँ से आप लाए थे इसको? लाए थे ग्राम परसोहिया से, सिमरिया बाजार के पास से। तो वहाँ तब नहीं पता, तब उस पे कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे आया, बड़ा हो गया, पालते पालते तो उसको दिखाई दिया, कुछ लोग मौलाना लोग आके बताए कि इस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसकी कीमत, इसके लिए कीमत बढ़ते जा रही है। साहब उसको हम देखे नहीं थे, कुर्बानी का समय जब आया पहली कुर्बानी में तो उसको हम एक साल घर पे पाले, 5,000 का खरीद करके लाए, उसके बाद उसको देखे नहीं, हिंदू घर का था, खरीदे 5,000 में। उसके बाद जब हमारे घर पे आया, कुर्बानी का समय आया, लोग खरीदने आए, कुर्बानी का टाइम उसका हो गया, तो लोग बोले कि इस बकरे को दे दो, तो कोई मौलाना आया हमारा खास था, वो हमको बता दिया कि इस बकरे के ऊपर अल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, और इसके दाहिने तरफ कान पे भी है, सीने में भी है, और इसके दाहिने तरफ लिल्लाह भी लिखा हुआ है, और 5 जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिखा हुआ है, 5 जगह पे लिखा हुआ है। और इसका रेट बोले, इसका रेट बताइए, हम बोले हम क्या बोले, हम कुछ समझ नहीं आता है। इस बकरे को अपने परिवार के लिए वरदान मान रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस बकरे की कीमत कहां तक पहुंचती है और इस बकरे का मालिक कौन होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। संत कबीर नगर से कैमरामैन मोहम्मद हुसैन और अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें।